ये हमारे इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात है और हम आप सबके माध्यम से एक सवाल करना चाह रहे हैं, ये आप लोगों को एक सुझाव देना चाह रहे हैं, जितने भी पत्रकार बंधु हमारे हैं उन सबको एक सुझाव देना चाह रहे हैं कि आप लोग सवाल भोजपुरी में पूछा करिए तो आप लोग को जवाब भी भोजपुरी में मिलेगा। राहुल पैर में कैसे लगे? असल में भाई हम शूटिंग करते रहे साक्षी शंकर फिल्म के जौनपुर में, तो हमने के स्टंट करे नहीं जा, स्टंट करे के तो केबल ओबल पलट के पड़ेला, तो वही में छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, जल्दी सही हो जाएगा। ये हमनी के भोजपुरी के सौभाग्य के बाद बा, काहे से कि और सब इंडस्ट्रीज में तो रहे ओटीटी प्लेटफॉर्म, लेकिन पहला बार हमनी के भोजपुरी में ओटीटी प्लेटफॉर्म आज लॉन्च होता, ये बहुत अच्छा बात बा हमनी के भोजपुरी खातिर। काहे से कि देखिए बहुत तेजी से दुनिया और मनोरंजन के माध्यम भी बहुत तेजी से बदल रहा बा, मनोरंजन के संसाधन बदल रहा बा, तो ओमे एगो कदम बा ई ओटीटी प्लेटफॉर्म जौन हमनी के भोजपुरी में ना रहे अब आज से हो गई। और काहे से कि देखिए अब सारा चीज तो फोन में बा, आदमी के बैंक भी जाए के नहीं के पड़त, पहले बैंक जाके आदमी बड़ा बड़ा लाइन लगावे, सिनेमा हॉल नहीं के जाए के पड़त, आदमी फोन में ही देख लेता रहे, तो ऊपर एगो अनौपचारिक रूप से एगो साधन बा ओटीटी प्लेटफॉर्म चौपाल, जौन भोजपुरी में वेब सीरीज भी आज से पहले ना बनत रहे, अब ए पर पहला वेब सीरीज प्रपंच आई पवन भैया के, ओकरा बाद हमार वेब सीरीज आई लंका में डंका, और भी बहुत सारा लाइन से बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट है चौपाल पर हुआ सबके देखे के मिली, तो ये चौपाल के अविलंब रुआ सब प्ले स्टोर से डाउनलोड करी जा और भोजपुरी के भरपूर आनंद लीजिए। और लंका में डंका हमने के शूटे कैले बनी जा अयोध्या में, पूरा शूटिंग अयोध्या में भइल बा, तो जौना हिसाब से भगवान श्री राम के नगरी में उतना पवित्र नगरी में हमने के शूटिंग कैले बनी जा, एक एक चीज अयोध्या के रुआ सबके देखे के मिली लंका में डंका में, और हर लोकेशन यूज भइल बा, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट और स्टोरी बा, तो रुआ सबके देख के बहुत आनंद आई और वह सब बोलब जो पैसा वसूल। ओ टी पी एगो बहुत बड़ा उदाहरण बा, एगो बहुत बड़ा कहनी होता संसाधन बा, कैसे कि मनोरंजन के साधन दिन पर दिन बदला था ना, पहले आदमी धोती पहनत रहन, अब फुल पैंट और जीन्स पहनलन, वही हिसाब से पहले आदमी जात रहन सिनेमा हॉल में बड़ा बड़ा लाइन लगा के, लेकिन अब आज के व्यस्त समय में आज के जमाना में उतना समय नहीं के उभरी, तो लोग सब कुछ मोबाइल पर चाहेला, और मोबाइल पर आदमी जहाँ भी खाली टाइम मिलन वहीजा देख लेलस, जहाँ तक देख ले बा वहीजे रोक के रख ले बा ओकरा आगे देख लेलस, तो बहुत सारा सुविधा होला ओ से आज के जमाने, देखिए परिवर्तन संसार का नियम है कहा गया है, तो उस हिसाब से हम लोगों को भी परिवर्तित होना पड़ेगा, और ये परिवर्तन की दिशा में एक अच्छा कदम है। चौपाल को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों से कहना चाहेंगे आपके उस भोजपुरी के कलाकार से सवाल पूछिए लोग तो भोजपुरी में पूछिए लोग, ठीक बा ना बात है, तो भाई भोजपुरी के साथ हिंदी भी तो चलबे न करी, हिंदी तो मातृभाषा हमने के, हिंदी के छोड़ल थोड़ी जाए भाई, भोजपुरी माई है तो हिंदी मौसी है, मौसी के छोड़े के नहीं के। चौपाल से पहले कल आपको सिनेमा अचीवर्स अवार्ड मिला था? हाँ थैंक यू, हाँ कल मुझे अवार्ड से नवाजा गया, और सिर्फ भोजपुरी दर्शक और भोजपुरी का प्यार है जो मुझे हमेशा साल में कोई अवार्ड मिल ही जाता है। मैं बहुत खुश हूँ, हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत खुशी की बात है, हमारी ऑडियंस को इंतज़ार भी था, क्योंकि अब थिएटर्स का जो हाल है वो आप सब जानते हैं, कोविड के बाद से सारी ऑडियंस ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ गई है, अदर लैंग्वेजेस की फिल्में हों या वेब सीरीज़ हों या ड्रामाज हों वो सब ओटीटी पे आ गया है, हमारी भोजपुरी भी आ गई, इस बात की मुझे बेहद खुशी है। अफकोर्स ये देखिए जब मैंने करियर स्टार्ट किया था तभी हमारे टीवी चैनल्स भी नहीं थे, उस टाइम पे मैंने करियर स्टार्ट किया था, फिर धीरे टीवीज आई, फिर सैटेलाइट आया, फिर यूट्यूब आया, और अब ओटीटी आ गया है, तो मेरे लिए तो बहुत आगे ही बढ़ रही है मेरे लिए इंडस्ट्री, सो मैं बहुत खुश हूँ देखकर।
आज इस चौपाल में जो तमाम लोग उपस्थित हुए हैं, ये उन तमाम लोगों की नहीं बल्कि पूरे भोजपुरी भाषा भाषी के जितने लोग हैं, भोजपुरी सिनेमा से जुड़े हुए जितने लोग हैं, भोजपुरी साहित्य से जुड़े हुए जितने लोग हैं, उन सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि हम सब के बीच में हम सब का अपना OTT प्लेटफॉर्म चौपाल के रूप में आ रहा है। अमूमन लोग बोलते हैं कि ये फिल्म अगर OTT पे लग जाती तो, जैसे मैंने ही बनाई जुगनू या बाबुल, तो हमारी भी ये चाहत रही थी कि OTT प्लेटफॉर्म पे हो तो सब उसका प्रमोशन बेहतर हो। लेकिन जब उस समय ना बाबुल के टाइम पे OTT ऐसी कुछ नज़र आई, अब आई है, तो मैं चाहता हूँ कि कंटेंट बेस्ड चीज़ें अगर उसको ये इंटरटेन करें OTT प्लेटफॉर्म, जहाँ जैसे पैरेलली हिंदी इंडस्ट्री का OTT होता है कि जहाँ कंटेंट बेस्ड चीज़ों को मान्यता दी जाती है, तो ये यकीनन हमारे उन दर्शकों के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाली है ये OTT प्लेटफॉर्म। हाँ, मैं हूँ, जुड़ा हुआ हूँ और कई में हूँ। मैं उस तरह की फिल्मों की बात कह रहा हूँ जो कंटेंट प्रधान हो। मैं ये नहीं कि किसी एक व्यक्ति विशेष के प्रधान फिल्म नहीं, कि हीरो प्रधानित या कैरेक्टर रोल प्रधानित या हीरोइन प्रधानित, नहीं, कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, हीरो सिनेमा हीरो होना चाहिए, बाकी तमाम कलाकार उसके पात्र होने चाहिए। और ऐसी चीज़ें ही OTT पे ज़्यादा प्रमोट की जाती है, दर्शक उसको ज़्यादा इंटरटेन करते हैं, तो यहाँ भी शायद यही हो। बहुत है, अभी अर्धनारी है, परशुराम है, वजूद है, इतनी सी खुशी है, तो बहुत सारी फिल्में हैं। डायरेक्ट मैंने 2 फिल्म किया है, जुगनू और बाबुल, आगे भी देखते हैं, अब ऐसे प्लेटफॉर्म आ जाएंगे तो सोचूंगा कि कुछ करूं। थैंक यू। हम रवा लोग से ये प्रार्थना करब कि रवा लोग आज ही चौपाल के डाउनलोड करें, भोजपुरिया ताकत है, भोजपुरिया माटी के सुगंध बा ये सिनेमा है, रवा लोग देखें, घर घर में चौपाल के रवा लोग के पहुँचाए के है, ताकि हर भोजपुरिया कलाकार, हर भोजपुरिया फिल्म मेकर, हर भोजपुरिया कंटेंट जो है रवा लोग के देखे के मिली, इससे बढ़िया कुछ ना हो सकता। तो हम अपन जितना भी फैंस बाटे UP बिहार झारखंड और पूरा हिंदुस्तान पूरा वर्ल्ड में रवा लोग से विनती करता नहीं, चौपाल के रवा लोग जरूर डाउनलोड करी, ये हमार भोजपुरी हीरो विनय आनंद की प्रार्थना। कभी OTT पे भी आप करना चाहेंगे कोई वेब सीरीज या? मैं अभी हिंदी फिल्म मकान में व्यस्त हूँ, जो मेरे प्रोडक्शन की है, जो कंप्लीट हो गई, और मेरी दूसरी हिंदी फिल्म जा रही है, और भोजपुरी तो मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि भोजपुरी मेरी जान है, मेरी पहचान है, आधे लोग मुझे एज अ भोजपुरी कलाकार जानते हैं, आधे से ज़्यादा, तो ज़रूर ज़रूर करूँगा और ज़रूर चाहूँगा कि भोजपुरी फिल्में बहुत आगे बढ़ें, जिस तरह से साउथ इंडियन फिल्में हैं आज पूरे वर्ल्ड में कम्पीट कर रही हैं, उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि हमारी भोजपुरी फिल्में जो हैं वो पूरे वर्ल्ड में कम्पीट करें। और मैं तहे दिल से जो भी कलाकार हैं, जो काम कर रहे हैं, डायरेक्टर हैं, टेक्नीशियंस हैं, सबको तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी मैम, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? इतना बड़ा OTT प्लेटफॉर्म भोजपुरी का हो रहा है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सबसे पहले तो सबको मेरा नमस्कार और प्रणाम। जैसे कि चौपाल का मतलब तो सब लोग जानते हैं, मैंने भी आज कल में जाना है, बिकॉज मैं यहाँ की हूँ नहीं, अब जैसे जब सब जानते हैं चौपाल का मतलब होता है कि सब लोग बैठ के एक साथ गॉसिप्स करते हैं, यूपी बिहार में जैसे हम लोग सारे फ्रेंड्स मिलके, कलीग्स मिलके जो धमाल मचाते हैं चौपाल में बैठना एंड ऑल सारी चीज़ गॉसिप्स होते हैं, वैसे ही ये हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री का चौपाल है, जिसपे आपको अनगिनत वेब सीरीज़ और भोजपुरी फिल्म्स देखने मिलेंगी, और इसमें हमारे सारे एक्टर्स और सारे एक्ट्रेसेस जो है सब लोग आपको एक साथ दिखेंगे। तो आप इसे डाउनलोड करें और सब्सक्राइब करें, और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी इंडस्ट्री का भी एक OTT प्लेटफॉर्म आ रहा है। आपको भी देखेंगे मैम इसके ऊपर? ऑफ कोर्स देखेंगे, अच्छी अच्छी वेब सीरीज़ भी आने वाली है हमारी, सो आप ज़रूर देखें। आपके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताएं, कौन कौन से पाइपलाइन में आने वाले? ऐसे OTT प्लेटफॉर्म पे नहीं, ऐसे नॉर्मली मेरी अभी जो रिसेंटली एक फिल्म रिलीज़ हुई ससुरा बड़ा सतावेला, अभी इश्क आने वाली है, और कैसे उजाला प्यार,
और धर्मा और भी कई फिल्में हैं जो आने वाली हैं, आप सबको ज़रूर देखने मिलेगी और आने से पहले हम आपको ज़रूर इत्तला करेंगे। शुक्रिया। जितना दर्शक हमके देखते रहे सब लोग के साथ प्रणाम बा। और आज बड़ा खुशी के बात बा कि हमने के भोजपुर में भी OTT प्लेटफॉर्म आज लॉन्च हो गए, जो ना प्लेटफॉर्म के नाम है चौपाल। अब आप लोग के एक से बढ़ के एक वेब सीरीज देखे के अगर मन बा, अगर वो लोग चाहते हो कि भोजपुर में बढ़िया बढ़िया वेब सीरीज देखी अपन भाषा के देखी, तब कहीं नहीं के जाए के वो लोग चौपाल ऐप के डाउनलोड करे लोग, सब्सक्राइब करे लोग और देखी लोग और इन्जॉय करे लोग। जी हमारे जो वेब हमारे जो वेब सीरीज के आवा था उनका नाम बा रणवीर, और टाइटल के हिसाब से आप लोग को मालूम है कि एकदम बहुत ही भारी टाइटल बा, तो पूरा एक्शन से भरपूर बा और अपन माटी के चीज़ रही, अपन माटी के खुशबू रही, देखब लोग तो फील हुई कि नहीं हमने बीच के कोनो कहानी बा जौन फिल्माओल गई। चौपाल एक बहुत बढ़िया कदम बा हमने के भोजपुरी इंडस्ट्री खातिर, आए वाला समय में एकर बहुत ज़्यादा फायदा मिले वाला बा। सब चीज़ तो रहे अपना इंडस्ट्री में, एगो एकरे कमी रहे OTT प्लेटफॉर्म के, तो अब मनोरंजन सीधे दर्शक के मोबाइल पर और बहुत बढ़िया से मिले। चोट ही लागल बा भैया, अभी हम साक्षी शंकर फिल्म के शूटिंग करते रहनी है जौनपुर में, वही दौरान छोटा सा एक्सीडेंट। आपकी भी एक सीरीज आ रही है, हमारी सीरीज आ रही है लंका में डंका, बहुत ही प्यारी स्टोरी है और अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ है। हमारे ख्याल से हमारे दर्शकों को जो चाहिए हम लोगों ने वो प्रयास किया है, अच्छा लगेगा लोगों को। आने वाली फिल्म में हमारी है कल्लू की दुल्हनिया है, फिर राज है एंड शादी मुबारक है, तो अच्छी अच्छी फिल्में आने वाली है। और आज हम लोग आए हैं चौपाल भोजपुरी के OTT लॉन्चिंग में, तो बस मैं ये कहूँगा कि इस पे आप लोगों को वेब सीरीज ही नहीं फिल्में भी देखने को मिलेगी, एक से बढ़ के एक वेब सीरीज और फिल्में भी देखें। इसमें यासिफ फिल्म में जितना फिल्म हमारी का ये सारी आएगी, और हमको लगता है कि अधिकतर फिल्में हमारी यासिफ फिल्म ही खरीदती है, तो आप लोग को ज़्यादा मज़ा आने वाला है चौपाल दिखूँगा मैं। पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आजकल OTT पे है और पहली बार भोजपुरी का OTT चैनल चौपाल शुरू हो रहा है। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम लोगों को इसे सपोर्ट करना चाहिए, इसलिए हम आज दिल्ली से चल के मुंबई आए हैं और चौपाल OTT के लिए उसके जो ओनर हैं संदीप बंसल जी, उनको मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। अभय सिन्हा जो बड़ी प्रमुख रूप से इस चैनल के साथ खड़े हैं उनको भी बहुत बधाई देना चाहता हूं। और मेरा विश्वास है कि आज हमने भी एक वेब सीरीज एक्सेप्ट किया है और वो मैंने काजल राघवानी के साथ किया है। मैं काजल के साथ कभी कोई फिल्म नहीं कर पाया क्योंकि जिस समय काजल आ रही थी उस समय हमारा एक दूसरा कैरियर शुरू हो रहा था, लेकिन हमारे लिए एंटरटेनमेंट और अभिनय सिंगिंग ये सब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और OTT की दुनिया आने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम वेब सीरीज करेंगे और मेरा पहला वेब सीरीज धरती पुत्र जो काजल राघवानी के साथ होगा, आई एम सो हैप्पी कि इसके साथ काम करने को भी मिलेगा और हम कुछ खास करके दे पाएंगे। हम भोजपुरी के बहुत ऊंचा आसमान पे देखल चाहता नहीं हम, ओकरे खातिर हमनी के इंडस्ट्री बहुत मेहनत करता, अब हम भी वेब सीरीज के थ्रू जुड़ के अपन काम कर। रवि मनोज जी वाराणसी का जो ज्ञान ऑप्टिक का मुद्दा है, ज्ञान ऑप्टिक का मुद्दा नया तुल पकड़ रहा है, जो मुस्लिम पक्ष है जो अंदर से शिवलिंग मिला है उसे शिवलिंग नहीं मान रहे, उसे फुहारे का रूप दिया जा रहा है, आपका क्या मानना? देखिए ये मुद्दा हमारा आपका नहीं है, ये मुद्दा न्यायालय का है। एक न्यायालय ने सर्वे करवाया, सुप्रीम कोर्ट में केस गया हुआ है और वहाँ पे जो निर्णय होगा ना हम लोगों को हाथ जोड़ के उसको स्वीकार करना चाहिए। ये दो कम्युनिटी का मुद्दा नहीं है,
ये कुछ लोगों ने हमारे देश के साथ साजिश किया कि हमारे देश की कम्युनिटीज आपस में प्रेम से न रह पाए, उस सच को आ रहा है जो न्यायालय का निर्णय होगा हम स्वीकार। उत्तर प्रदेश में राज ठाकरे जाने वाले 5 तारीख को, उत्तर प्रदेश के एक सांसद है। देखिए उत्तर प्रदेश सबका है, सबका स्वागत है, और निश्चित रूप से पीछे अगर उनसे कुछ ऐसी बात हुई है जिसका मलाल उनको भी होगा तो ये बड़े दिल करके उस पर अपनी बात कह देनी चाहिए। कभी कभी जीवन में चूक हो जाती है, स्वीकार करने में क्या हर्ज है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कहा गया है कि घुसने नहीं दिया जाएगा, क्या वो सही है? नहीं, ऐसी बातें किसी को नहीं करनी चाहिए। अगर ये बात तो और भी कोई करेगा तो फिर इनमें और उनमें अंतर क्या रह जाएगा? बीजेपी के सांसद ही है सर, बीजेपी के सांसद। कोई बात नहीं, मेरे भाई है, वो मेरे मित्र हैं, मैं उनको भी कहूंगा किसी आवेश में निकल गया होगा, लेकिन ऐसी बात उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश सबका है, कोई भी हम काजल राघवानी पहली बार है, प्लीज चौपाल पे हमारा वेब सीरीज देखिएगा और हम लोग इतना धमाल करने वाले हैं कि बस हम ही दिखेंगे। काजल जी, आपकी सरकार बोल रही है कि राज्यसभा बीजेपी की हो चुकी है। काजल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? काजल कुछ बोलो। सबसे पहले तो सबको नमस्कार, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। अच्छा, सभी लोग और सबसे बड़ी जो मेरी ख्वाहिश पूरी हो रही है वो है मनोज जी के साथ वर्क करना, तो वो इसके जरिए पूरी हो रही है। तो थैंक यू सो मच मनोज जी, और जल्दी डेट देना ताकि हम जल्दी से शूट करें। चौपाल इज एन OTT प्लेटफॉर्म विच इज क्रिएटेड स्पेशली फॉर भोजपुरी, वन ऑफ इट्स काइंड। पहली बार ऐसा कोई OTT प्लेटफॉर्म बना है जो एक्सक्लूसिवली भोजपुरी कंटेंट के लिए है, विच मेक्स अस फील सो प्राउड एंड सो हैप्पी कि यू नो हम ऑलरेडी डिजिटली इतना कुछ कर रहे थे, चाहे वो यूट्यूब पे व्यूज़ देखे जाए। हमारी ऑडियंस बहुत ज़्यादा है और अब पहली बार हमारी ऑडियंस के पास एक एक्सक्लूसिव भोजपुरी कंटेंट देखने के लिए एक प्लेटफॉर्म होगा, सो दैट मेक्स मी फील वेरी हैप्पी। सो व्हाट विल बी द समथिंग डिफरेंट? आई थिंक देयर आर मेनी थिंग्स यू नो व्हिच वी कुडंट रियली डू, बहुत सारे चीज़ों की वजह से, बहुत सारे लिमिटेशंस की वजह से हम बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हम कर नहीं पा रहे थे, लेकिन अब एक और ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिला है जहाँ पे हम जो भी कहानियाँ कहना चाहते हैं वो सारी हम कह पाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों को भी बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा, जो वो फिल्मों में नहीं देख पा रहे थे, एल्बमों में नहीं सुन पा रहे थे, वो सारी चीज़ें वो देख और सुन पाएंगे चौपाल पर। जब आपको मालूम पड़ा कि आप सभी आपके गो एक्टर्स जितने भी हैं, मनोज सर है, रवि सर है, सबके साथ एक साथ काम होने वाला है, तो क्या रिएक्शन है? आई वॉज जस्ट वेरी ओवरवेल्म्ड, इसलिए क्योंकि यू नो इट्स वेरी रेयर, एक हम लोग, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री इज़ अ स्मॉल लिटिल फैमिली, हम लोग सब एक परिवार की तरह रहते हैं। तो सबसे पहले तो जब मुझे पता चला कि हम सब इस इवेंट पे मिलने वाले हैं, वो ही सुन के मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी। जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो मुझे यही सुन के बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हम सब एक साथ मिलने वाले हैं यहाँ पे, और फाइनली जब हम लोग मिले भी तो मुझे बहुत ज़्यादा आनंद आया। सो ऐसे ही चौपाल पे जब आप लोग चौपाल का ऐप ऐसे खोलेंगे तो आप लोग को भी आपके सारे सितारे एक साथ दिखेंगे और आप लोगों को भी वो कंटेंट देखने में बहुत मज़ा आएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली का क्या रिएक्शन OTT पे भी एक बार? माय मदर वाज वेरी हैप्पी, शी वाज रियली हैप्पी व्हेन आई वाज कमिंग हियर, शी वाज लाइक कि, और यू नो हमेशा आशीर्वाद ही देती हैं, अभी भी आशीर्वाद ही दे रही थी और बोल रही थी कि ऐसे ही आप और आपकी इंडस्ट्री और बढ़े और आगे जाए और ऐसे ही आप अपना अपने काम में और तरक्की करते रहो। आई वुड जस्ट लाइक टू से कि थैंक यू सो मच, आप लोग हमेशा इतना सारा प्यार, इतना सारा सम्मान देते हैं और मेरी आप लोगों से यही प्रार्थना है, यही प्रार्थना है, मैं आप लोगों से यही निवेदन करती हूँ कि ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद हम पे बनाए रखें। और आपने हमारी फिल्मों को, हमारे गानों को बहुत ज़्यादा स्नेह दिया है, वैसे ही हमारे OTT कंटेंट पे जो जो वेब सीरीज़ आने वाली है, जो जो फिल्में आने वाली है, तो उससे भी बहुत सारा प्यार है। जी सर, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? चौपाल भोजपुरी का बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म खुला हुआ है जी,
यश कुमार की तरफ से चौपाल के जो हमारे बंसल साहब हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं कि वो इतना एक अच्छा ऐप, इतना अच्छा सोशल एंटरटेनमेंट के लिए ये ऐप लेकर के आए हैं। साथ ही अभय जी को बहुत सारी शुभकामनाएं जो एक साथ इतनी सारी वेब सीरीज़ बना रहे हैं चौपाल के लिए, तो दोनों लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर आपकी कौन सी फिल्म आ रही है और वेब सीरीज आ रही है? वेब सीरीज़ देखिए आपके सामने है, ये वेब सीरीज़ जिगर, और फिल्मों का तो लाइन है उसका तो सर, कितना एक दो आपकी जो आने वाली प्रोजेक्ट है उस बारे में बताइए सर। इंस्पेक्टर धाकड़ सिंह, लालू जी की लव स्टोरी, जानवर और इंसान, नोटबंदी, सुरक्षा, मैं तो नाम भी भूल गया हूँ, इतनी सारी फिल्में बन करके रेडी हैं जो रिलीज़ होने वाली हैं। अभी अर्धनारी आई, परशुराम आ रही है, पति पत्नी और भूतनी आ रही है, तो लाइन से फिल्में, अपहरण अभी फिल्म करके आया हूँ, अपहरण रिलीज़ होने वाली है। सो एक बढ़ के एक मेरे ख्याल से इस समय पाइपलाइन में 10 से ज़्यादा फिल्में रिलीजिंग के लिए तैयार हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म भोजपुरी में आ रहा है। अब भोजपुरी और इजी हो जाएगी दर्शकों के लिए, बस एक एक ओटीटी प्लेटफॉर्म आपको वो करना है, हेलो, और वो आपको करना है और आप भोजपुरी तक पहुँच सकते हो। आई थिंक बहुत मज़ा आने वाला है लोगों के लिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स, कितने सारे रिलेटिव्स हैं जिनको भोजपुरी देखना होता है, उनको देख उनको ये भेज सक बोल सकती हूँ कि आप डाउनलोड करो और भोजपुरी देखो। क्या आपका भी कोई वेब सीरीज? आई थिंक आने वाला है, बात हो रही है, जल्दी ही मैं उस चीज़ की बात करूँगी, और क्योंकि मैं थी नहीं बॉम्बे में, मैं आज सुबह ही आई हूँ, तो आके अभी आई थिंक होने वाला है। इन दिनों में क्या कुछ चल रहा है? इन दिनों में अभी लंदन 3 फिल्मों की शूटिंग कंप्लीट करके आई हूँ, और आई थिंक एक रिलीज़ पर है जून में, मुझे कुछ कहना है वो रिलीज़ पर है, और बहुत एक्साइटेड हूँ। जब से मैंने ये न्यू अवतार लिया है नारा 2.0, वो मेरी पहली फिल्म रिलीज़ होने वाली है, और एक तमिल फिल्म है जो मैं जिसकी शूटिंग जुलाई एंडिंग से शुरू करूँ, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। परचम गढ़ते जा रही है, और अब चौपाल फर्स्ट OTT प्लेटफॉर्म, एंड आई एम श्योर ये प्लेटफॉर्म उतना ही एक्साइटिंग होगा जितनी अभय भैया की फिल्में रहती है। ऑलवेज हम लोगों को एक पारिवारिक कंटेंट देखने मिलता है, आई फील ऑलवेज एक्साइटेड। मेरी कई फिल्में हैं जैसे परिवार या परिवार जैसी फिल्में जो अभय भैया के प्रोडक्शन के अंडर ही हुई हैं, और याशी फिल्म्स ऑलवेज हैज़ बीन लाइक एक हमारी इंडस्ट्री का पिलर रहा है। तो मैं आज ये कह सकती हूँ कि चौपाल अगले साल जब हम मिलेंगे एनिवर्सरी में ऑलरेडी बहुत बड़ा काम करती होगी, ये हम देखेंगे। सो हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू चौपाल, टू अभय भैया, जो भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा नाम तो है ही, बट उसके अलावा उन्होंने जो नींव बनाई है एक पारिवारिक फिल्मों का जो सिलसिला शुरू किया है वो बहुत कम हमको अदरवाइज देखने मिलता था। सो एक तो थैंक्स कहूँगी, दूसरा ये कहूँगी कि चौपाल भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पर हमको बहुत रोचक कंटेंट देखने मिलेगा। आज की तारीख में OTT इज़ रॉकिंग, सो आई एम श्योर इवन दिस हैज़ टू रॉक। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अभय भैया, द होल टीम ऑफ चौपाल, सभी को बहुत हार्दिक अभिनंदन, और रॉक करते रहें बस, और क्या कहें। देखिए चौपाल OTT ऐप है जो हर डिवाइस पे अवेलेबल है और वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, और ये रीजनल भाषाओं का एक समूह है, उसको चौपाल का नाम दिया हमने, और ये OTT प्लेटफॉर्म है, आपके मोबाइल पे भी, आपके TV पे भी, आपके लैपटॉप पे भी, कहीं भी देख सकते हो, दुनिया में कहीं पर भी, किसी टाइम भी। संदीप सर, पंजाबी में धमाल करने के बाद भोजपुरी में पहला OTT प्लेटफॉर्म आपने लॉन्च किया है, इसके अलावा किन किन भाषाओं में है? हरियाणवी में है, अभी 3 भाषाओं में हम सीमित रखना चाहते हैं, धीरे धीरे देखेंगे क्या कैसे हम बढ़ते हैं आगे। सर कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, तो जिस तरीके से आपने एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया है, क्या कहना चाहेंगे भोजपुरी के? नहीं, हम बहुत खुश हैं, हम बहुत एक्साइटेड हैं, हमने ये इसकी 3.5-4 साल हमने इस पे काम किया है, और अब ये दिन आया तो हम इस पे खुश हैं, और हमने स्टार्ट भी भोजपुरी की पहली वेब सीरीज से किया, वो भी पवन सिंह जैसे बड़े कलाकार के साथ किया। सर लास्ट वर्ड, भोजपुरी को ही आपने रीजनल भाषा के रूप में क्यों चुना? क्योंकि भोजपुरी का अपना बहुत रिच कल्चर है, वो पंजाबी के साथ मिलता भी है, नॉर्थ इंडिया है, तो ये सब चीज़ें हैं। आज लॉन्चिंग पे सारे भोजपुरी डिस्ट्रिक्ट के कलाकार यहाँ पे आए, इसके लिए क्या? मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, वो आए, हमें उन्होंने आशीर्वाद दिया, हमारा इससे जोश और बढ़ा।